हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलोपनर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिट किंगडम के ऑरस डेवलपमेंट एंड इट्स फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे। फॉर 5 ईयर्स का जो फ्यूचर प्लान इन्होंने दिया है उसके बारे में बात करेंगे आज सारा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो इसलिए लेट बनी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो इसलिए लेट बनी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी अपडेट्स, आपको पता है पिछले 3-4 महीनों से बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी बिटकिंगडम में। तो इस रिगार्डिंग मेरा वीडियो बनाना जो है बिल्कुल मुश्किल सा ही हो गया था क्योंकि डेली बाई डेली न्यू अपडेट आ रही थी, तो मेरे लिए भी काफ़ी टफ हो गया था वीडियो बनाना। तो आज मैंने सारा का सारा कोलैबोरेशन करके जितना भी हो सके डिटेल में कोलैबोरेशन पॉइंट्स अच्छे अच्छे उठा के आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ और आज मैं सारे वो डिस्कस करूँगा। तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ये सजेशन आपको ये वीडियो पूरा देखें और अपने जो रेफरल्स हैं या अपने किसी भी मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको मिले कि हो क्या रहा है एक्चुअली सिस्टम में, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लिंक मैं नीचे दूंगा, आपको इस लिंक पे आके यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और आप कैसे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आई डी स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यहाँ पर नेम, ईमेल आई डी, मैसेज लिख के और अपना मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप आकर मुझे मीट कर सकते हैं, ये भी मैं लिंक नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आता हूँ मैं पॉइंट पे। अब आप देख रहे हैं मैं अपने बिट किंगडम के बैक ऑफिस में लॉगिन हूँ इस टाइम पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता है कि ऑरस क्रिप्टो करेंसी जो की है, आपको पता है कि बिट किंगडम ने लॉन्च की थी, ठीक है, उसको 100% रिलीज कर दिया गया, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे की पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं साइड में, वो भी वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि 100% रिलीज होने के बाद जो भी लोगों ने प्री बुक किया हुआ था ऑरस को, राइट, उनका ऑरस उनको 100% डिलीवर कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस न्यूज़ पे जो कि है बिटकिंगडम की न्यू इरा, इसका फ्यूचर प्लान्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप और भी पॉइंट्स भी जाऊँगा, पूरी वीडियो का ध्यान से देखिएगा और काफ़ी लंबी वीडियो मेरे हिसाब से जाएगी ये, और इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आया है 31 दिसंबर 2016 को अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में इसको बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, नीचे आप देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में ये बताएंगे कि यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम फॉर अस टू अनरिवील आर प्लान्स फॉर द फ्यूचर ऑफ बिट किंगडम एज इट्स वैल्यूड सिटीजन। वी हैव अपॉइंटेड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल विद आर वास्ट एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड टू हेल्प अस ब्रिंग ऑरस टू द ओपन मार्केट। नंबर वन, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट, फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि बिट किंगडम ने अब, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो बिट किंगडम अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, मतलब कि आपको अब बिट किंगडम को एक क्विक रिच स्कीम की तरह नहीं देखनी है। अगर आपने आपने इसमें काम करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा और पैसा आपको मिलेगा, बट ये क्विक रिच स्कीम नहीं रह गई ना पहले थी। इसमें अब जो वही पर्सन आएंगे जो कि टोटली सीरियस है काम करने के लिए, कोई स्कैमर्स और ऐसे लोग जो भी हैं जो क्विक रिच अर्न करना चाहते हैं वो यहाँ पे अब ज्वाइन नहीं होंगे क्योंकि इनके कुछ रूल्स मैं आगे बताऊंगा आपको डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। टोटली आप बोल सकते हैं कि बिट किंगडम ने अपने आप को चेंज कर दिया है फॉर लॉन्ग टर्म जाने के लिए, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है लॉन्ग टर्म जाने के लिए। तो नीचे चलते हैं। वट वी आर टर्निंग इंटू अ हाईली लेजिटिमेट बिजनेस प्लेटफॉर्म वेयर वी सीक न्यू बिग इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड दैट बिलीव इन आर फ्यूचर प्लान। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए सिंपल लाइन में एक पूरा ये डिस्क्राइब कर दिया है कि ये टोटली लेजिट बिजनेस की तरह काम करेगा बिट किंगडम ऑनलाइन कम्युनिटी में आने वाले 5 साल के लिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें बिग इन्वेस्टर्स आएंगे और ये डैम श्योर है आएंगे क्योंकि क्या हुआ है अभी मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये फ्यूचर जो प्लान्स को पर्सन समझेगा वही इसमें इन्वेस्ट करेगा बिट किंगडम में, अब हर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँ तो आपको यहाँ पे बताऊँगा मैं ऑरस पब्लिक वॉलेट जो है इसका जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर दूंगा। ये सारी जो फाइल है ये इसका PDF और गूगल डॉक्स फाइल मैं आपको दे दूंगा, आपने पढ़ना होगा या किसी से शेयर करना होगा तो आप कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं बिट किंगडम के तो आपको डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं वीडियो के नीचे लिंक के सब कुछ दे दूंगा आपको। तो नीचे देखिए, हाउ टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ द ऑरस इन पब्लिक वॉलेट। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऑरस जो क्रिप्टो करेंसी है
ठीक है, ये बिटकॉइन से बैकअप हो गई है, बिटकॉइन इसका बैकअप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन टूडेज डे एंड एज व्हाट कमोडिटी इज एन इक्विवेलेंट टू गोल्ड। ठीक है, इन क्रिप्टो वर्ल्ड बिटकॉइन इज सिमिलर एज इट इज गेट टू द रियल लाइफ गोल्ड। इट हैज अ वैल्यू, इट्स रेयर, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू माइन। व्हाट इफ आर ओरस इज बैक्ड बाय इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो मैक्सिमम जो आप देख रहे हो बैंक्स, अब बैंक्स हैं या और भी डॉलर्स हैं जो भी हैं, जहाँ पे पैसा पड़ा होता है वो बैकअप होता है गोल्ड से। उनके पास कितना गोल्ड रिजर्व है उस पे डिपेंड करता है कि कितना जो है रिस्क फैक्टर बैंक उठा सकता है या गवर्नमेंट एजेंसीज उठा सकती हैं, राइट। तो अभी ओरस जो ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे नीचे लिखा है ओरस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड दैट इज बैक्ड बाय बिटकॉइन। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एक क्रिप्टो करेंसी के लिए जिसने बैकअप अपना बिटकॉइन रखा हुआ है, राइट। तो वी विल शॉक द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। अब नीचे आता हूँ मैं, मैंने कुछ साइड में इसके पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा अभी थोड़े टाइम में। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आगे, व्हाई डोंट अदर अल्टरनेट कॉइन्स डू द सेम एज वी आर प्लानिंग टू डू द ओरस। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमने किया वो अदर कॉइन्स ने क्यों नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं कर पाए वो। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर न्यू आती है तो उसको, यहाँ पे लिखा है अ टिपिकल न्यू कॉइन इन द मार्केट नॉर्मली गोज टू ICO टू रेज फंड। उसको फंड चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आफ्टर देयर फंड रेजिंग। तो क्या करते हैं, उनको फंड चाहिए होता है तो वो कुछ टाइम के बाद चलते हैं, फिर वो फिर बंद हो जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी आप देखी होंगी, काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं आज ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो काफ़ी आती हैं नहीं, काफ़ी बंद हो जाती हैं। तो अभी ओरस में क्या डिफरेंस है, ओरस में ये डिफरेंस है कि ओरस के पास ऑलरेडी 20,000 BTC का फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्राउड इसके जो बिटकिंगडम के मेंबर्स है 150K यूजर रजिस्टर्ड ने इसको बैकअप दिया है, ठीक है। वैल्यू इसकी 9.47 रिजर्व वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से 250 से ऊपर मर्चेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको वियतनाम मलेशिया कंट्रीज में, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल है, इसको छोड़िए। तो मतलब देखा जाए तो ये बिटकिंगडम के पास एडवांटेज है रादर देन दूसरे कॉइन्स की, क्योंकि दूसरे कॉइन्स के पास इतना बैकअप नहीं होता, इतने मेंबर्स नहीं होते रजिस्टर्ड, इतना जो है मर्चेंट्स नहीं होते स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिर्फ बिटकिंगडम और इस क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ 2 या 3 महीने ही हुए चले हुए, और इसने 250 मर्चेंट्स को ऑलरेडी एक्सेप्टेड कर चुके हैं इसको, ठीक है, वियतनाम और मलेशिया जैसी कंट्रीज में, ठीक है। अब नीचे आ रहा है लिस्टिंग इज पब्लिक मार्केट कॉइन कैप बिटफिनिक्स, इसका मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा। अब लिखा है PH एंड GH इज नो लॉन्गर 1% पर डे। अब ये शॉर्ट में बताऊँ तो मैं The estimated new PH by ORS will be 5% per month. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब जहाँ पे आपको आपको पता है कि 1% पर डे का आपको मिलता था बिट किंगडम में, वो अब कैंसिल हो चुका है, वो आज के बाद आपको नहीं मिलेगा, जो कि 30% पर मंथ होता था। अब आपको सिर्फ 5% पर मंथ ही मिलेगा जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपये लगाया है तो आपको 5% पर मंथ उस पर मिलेगा, ठीक है। अब वो 30% वाला सिस्टम जो है वो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यस दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज ऑफ फिगर्स बट वी हैव क्रिप्टो मैथमेटिकल एंड एक्यूरेस्टिक दैट कैलकुलेट दिस फिगर टू एंश्योर ओरस हैज वैल्यू एंड बिट किंगडम कम्युनिटी वुड बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट 5 years टू सस्टेन आर ओरस क्रिप्टो करेंसी। लिखा है आफ्टर 5 years नो न्यू ओरस वुड बी इश्यूड टू मेंटेन प्राइस ऑफ एवरीबडी एंड रिटेन द वैल्यू ऑफ द BTC डिविडेंड्स। तो इसका मतलब है कि 5 साल के लिए बिट किंगडम कम्युनिटी ने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, किनके साथ, मर्चेंट्स और एंटरप्राइज के साथ, जो कि वियतनाम मलेशिया और ऐसी ऐसी कंट्रीज में, इंडोनेशिया वगैरह में। तो 5 साल के लिए अब आपको 5% पर मंथ ही मिलेगा बिट किंगडम से, ओके, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे या जो भी आप पुट करेंगे इसमें, ठीक है, प्रोवाइड हेल्प कराएंगे, राइट। तो ये ड्रास्टिक चेंज तो है बट ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको अपनी मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में बने रहने के लिए, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वर्ल्ड में बने रहने के लिए ये जरूरी था कि इसको, इसकी जो परसेंटेज है वो कम की जाए, ओके। और ये आप यहाँ पे देखेंगे, मैं नीचे आपको स्नैपशॉट दिखाता हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया तो आप देखेंगे यहाँ पे अब एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए अ क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय BTC पब्लिक वॉलेट्स दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। इसके अपने पब्लिक वॉलेट भी आ रहे हैं ओरस के, ठीक है, कुछ टाइम के अंदर ये भी अभी प्रोग्रेस में है तो ये भी लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यूनिकॉइन यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए डेस्कटॉप वॉलेट है वो आपका, ठीक है, उसी तरीके से ओरस को भी आप वहाँ पे, एक साइट बन जाएगी ओरस की, ORS.CC करके है ऑलरेडी, उस पर काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे आप जाके ऑटोमेटिकली बाय एंड सेल ट्रेड अपना जो भी पब्लिक वॉलेट
लाइक पब्लिक वॉलेट के लिए वो ओपन हो, पब्लिक के लिए वो ओपन हो जाएगा, राइट। अब नीचे लिखा है, मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम जो है 100% यहाँ पे सेफ हैं। जहाँ तक अभी तक न्यूज़ जो आई है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने स्टडी किया है, जिससे जिनसे मैंने बात की है आगे न्यूज वगैरह से, बिट किंगडम में पैसा किसी का नहीं डूबेगा, ठीक है। बट हाँ, टाइम ज़रूर ज़्यादा लग जाएगा। पैसा जो प्री बुक ऑरस के मेंबर्स थे उनका, वो पैसा मिलने में टाइम ज़रूर लगेगा बट पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो रादर देन स्कैम होने से अच्छा है कि यहाँ पे आपको पैसा आपका मिल जाएगा, प्लस 5% आपको पर मंथ का प्रॉफिट भी मिलता रहेगा अगर आप उसका PH एक्टिव करते हैं, जो भी आपके पास फंडा भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, और एस इको सिस्टम विल गारंटी एटलीस्ट 200 मर्चेंट्स दैट विल एक्सेप्ट और एस इन वियतनाम, अबाउट 50 मर्चेंट्स इन मलेशिया आर ऑल्सो इन एक्सेप्टिंग और एस। द इको सिस्टम टीम विल एंश्योर ग्रोथ मॉडल रेप्लीकेटेड ऑन एवरी कंट्री टू एक्सेप्ट और एस, ठीक है। तो नीचे आप देखेंगे ये है, लीड बाय द वियतनाम मीन्स टीम द स्टेयरिंग कमेटी विल बी डिसाइडिंग ऑन द राइट पाथ फॉर ऑरेस, कंसल्ट थर्ड पार्टी एक्यूरिस्ट क्रिप्टो मैथमेटिशियंस एंड कॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉयर्स टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ आर इन्वेस्टमेंट। तो जो भी हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, हमारी उस पैसे की पूरी सेफ्टी है, ठीक है। ये सामने आपको मैंने दिखा दिया कि लॉयर्स वो पूरी की पूरी इसकी सिक्योरिटी लेके बैठे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो बिट किंगडम ने अब जो चीज़ दी है, वो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पहले पहले ही पॉइंट में बताया, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, इन्वेस्टर, बैंकर्स और कॉर्पोरेट लॉयर्स को ये साथ में लेके चले हैं। और तो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में हज़ारों कंपनीज आती हैं डेली, हज़ारों चली जाती हैं, वो स्कैम है, ठीक है। अगर बिट किंगडम ने, आपको ऐसा लग रहा है कि बिट किंगडम ने स्कैम कर दिया, बिट किंगडम ने अगर स्कैम करना होता तो वो काफ़ी पहले कर जाता। इतना कोई कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी कम्युनिटी इतना काम नहीं करती जितना ये दिखा रहे हैं, ठीक है। जितना इन्होंने बताया है कि इतना इन्होंने अपडेट्स, इतना इतने चेंजेस कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं करती, ये पहले ही भाग गया होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बिट किंगडम लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए प्रॉपर रेडी है, ठीक है। क्योंकि इसमें जिंदगियां लगी हुई हैं लोगों की, वियतनाम और मलेशिया और ये जो कंट्रीज़ हैं, लोगों के घर के पैसे, पूरे पूरे पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपने बैंक्स खाली करके यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले बिट किंगडम हर एक मेंबर के बारे में सोचती है, ठीक है। सोच रही है कि किसी को लॉस ना हो, ठीक है, पैसा सबका बचा रहे रादर देन स्कैम हो जाने से, ठीक है। कहीं और आप पैसे लगाते हैं, आप देखते हैं कि पैसा आजकल डूब जाते हैं कंपनीज़ में, तो वो चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जहाँ तक अभी तक मेरे पास न्यूज़ जो आई है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जितने भी ये डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे का सारा मैं आपको नीचे PDF का लिंक है, ठीक है। अगर आपने PDF चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि आपको PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF दे दूंगा। गूगल डॉक्स चाहिए होगी तो गूगल डॉक्स का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप बिटकॉइन के मेंबर नहीं हैं तो। अगर आप हैं तो आप खुद ही यहाँ पर आकर क्लिक करके ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं पूरा, या किसी को आगे शेयर कर सकते हैं। तो समरी क्या आती है, पूरा बिट किंगडम क्या बोल रहा है। बिट किंगडम ने कहा है लास्ट में, बिट किंगडम इज नो लॉन्गर अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बट इंस्टेड इट विल बी अ वे ऑफ इशू न्यू ऑरस टू बिटकॉइनर्स। द प्रीवियस मैनेजमेंट टीम विल फॉलो द प्रोफेशनल स्टेयरिंग कमेटी डिसीजन मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर विद वियतनाम लीडरशिप, ठीक है। लिखा है, आर मिशन इज टू मेक वैल्यू ऑफ ऑरस बाय क्रिएटिंग एंड एडिंग रियल वैल्यू टू इट, ओके। तो सिंपल सी भाषा में बोलें तो आप ये समझ लीजिए, टुगेदर नीचे उन्होंने लिखा है, टुगेदर वी कीप ऑरस एंड टुगेदर वी बिल्ट इट्स वैल्यू, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बिट किंगडम अब कभी कहीं नहीं जाने वाला, कम से कम 5 साल के लिए, ठीक है। और 5% का जो मंथली जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट बोल लीजिए, डिविडेंड बोल लीजिए, जैसे भी आप बोलना चाहें, ओके। तो बिट किंगडम लॉन्ग टर्म के लिए अब रेडी है, और आप अगर इसमें काम करना चाहते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो कि जल्दी पैसा अर्न करके भागना चाहते हैं यहाँ से, उन लोगों के लिए बिट किंगडम अब नहीं रहा, ठीक है। ये है बिल्कुल स्टेबल अब चीज़ बन गई है, और ये स्टेबल 5 साल के लिए चलेगी। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप लगाइए, नहीं लगाना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी पैसा बनना था, ऐसे होना था, तो वो चीज़ अब नहीं होगी यहाँ पर, तो आप इसमें एंटर मत कीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस हिसाब से चलेंगे अब, ठीक है, रादर देन जंप करने से, राइट। चलिए, मैं डायरेक्ट अपने कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास उन पे आता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल है बताने के लिए। अब पहली बात, ये मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट्स कुछ रखे हुए हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं कुछ। तो यहाँ पे चलते हैं, ऑरस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्लान्स फॉर 5 ईयर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, बीके इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। 100% ऑल आर फंड्स इन सेफ हैंड्स, नॉट फॉर क्विक रिच अर्न एंड रन पीपल।
स्टे अवे। तो मैंने आपको पहले बताया ये ऐसे लोग दूर रहें जो कि इसमें जल्दी से सोच रहे हैं कि पैसा बना के बस हम निकल जाएं, और ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं होगा अब, ठीक है। अब ये मैंने एक लिंक दिया है, अगर आप अभी बिटकिंगडम के मेंबर हैं अभी भी, तो आप यहाँ इस लिंक को मैं फेसबुक के नीचे दूंगा, वीडियो के नीचे दूंगा, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये बिटकिंगडम का बिजनेस का पेज है, ठीक है। अगर आप इसको इसको आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको आप लाइक कीजिए, या क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूज़ डे बाई डे आती रहती है कि क्या हो रहा है बिटकिंगडम में अभी, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे मीटिंग हो रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप पूरा का पूरा इसकी डिटेल में देख सकते हैं। ओके, तो इस पेज को अभी बंद कर रहा हूँ मैं। अभी लिखा है ऑल प्री बुक्ड 100% ऑरेस विल बी रिलीज, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके रिलीज़ होने से क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसके रिलीज़ होने से क्या हुआ है कि जो भी लोगों के पहले प्री बुक थे ऑरेस, ठीक है, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 से पहले ऑरेस बुक किए हुए थे, उन सब के ऑरेस, ठीक है, उन सब के ऑरेस उनको क्रेडिट कर दिए गए हैं। एंड उनके जो प्रोवाइड हेल्प पीएच जो थी उनकी, दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर मेरे अकाउंट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक भी पीएच आपको नहीं दिख रही, तो सारी की सारी पीएच जो है एंड हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बिटकिंगडम के थ्रू ऑटोमेटिकली एंड कर दी गई है, ठीक है। कुछ लोगों की अभी हो रही हो गई, या मैक्सिमम लोगों की हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह प्लान है, सिलेक्ट योर प्लान न्यू, 5% पर मंथ का प्लान आया है, ठीक है। और ये पीएच सभी के बंद है, तो पीएच का जो सारा फंड था, ठीक है, और जो जो भी ओरेस की वैल्यू, ओरेस का प्राइस जो भी उन्होंने बुक किया था, जब ओरेस उन्होंने बुक किया था, जो भी प्राइस से बुक किया था, वो सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा होके जीएच बैलेंस में, गेट हेल्प पे उनके आ गया हुआ है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए गेट हेल्प पे मेरे पास 41 ओरेस है, ठीक है। तो गेट हेल्प पे 41 ओरेस मेरे पास दिखा रहा है, जो भी मेरा प्रॉफिट था, जो भी था, वो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। और उसके बाद मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा स्नैप सीधा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीएच में मेरे पास बैलेंस आ गया 41.9 ओरेस का, ठीक है। और ओरेस वॉलेट में मेरे पास 21 ओरेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी क्या करना है, जो भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले तो अपना ये सारा फंड जीएच का ओरेस वॉलेट में लाना है, ये मतलब यहाँ से गेट हेल्प करके, ठीक है, और इस वॉलेट में लाना है। अब आप पूछेंगे गेट हेल्प कैसे होगी, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ये दोबारा से लॉगिन करता हूँ जरा इसको मैं। यहाँ पे आप गेट हेल्प पे जाएंगे, गेट हेल्प पे आपने क्लिक किया, आपने उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जीएच बैलेंस 41 दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यू आर एलिजिबल टू जीएच 41 और एस। तो गेट हेल्प पे जाएंगे अपने, अब अपने गेट हेल्प पे गए, यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर किया, कितना अमाउंट एंटर करना, 41.94, इतना ही कीजिएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जो है, क्योंकि यहाँ पे आप गेट हेल्प कर रहे हैं तो कोई पीएच भी कर रहा होगा तभी आपको गेट हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये मैच भी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे 2FA पूछेगा ये आपसे, तो 2FA जो है आप अपना देखेंगे 2FA क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि मेरा 2FA है 649472, तो मैं यहाँ पर जीएच कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली रिक्वेस्ट फॉर जीएच, इट विल बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल। तो मैंने पूरे का पूरा गेट हेल्प कर लिया है यहाँ से, राइट। अब क्या करेंगे आप, इस तरीके से आपने जीएच कर लिया तो यहाँ से सारा फंड गायब हो गया, आपने देखा, ठीक है। ये सारा का सारा फंड ओरेस वॉलेट में आ जाएगा, ओरेस वॉलेट पे क्लिक करेंगे आप नीचे, ठीक है। तो ओरेस वॉलेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 20 आप देख रहे हैं पहले था, ठीक है, 40 मैंने और लिया, तो 63 ओरेस का ओरेस अभी का अभी मेरे अकाउंट में 63 पॉइंट ये सारा ओरेस अभी का अभी शो हो गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि अभी लोगों की ये सबसे बड़ी क्वेरी ये आ रही है कि जो लोगों ने प्री बुक किया था, वो बोल रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी क्वेरी भी आ रही है कि उनको लॉस हो गया बिटकिंगडम में, ठीक है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, जिन लोगों ने लेट बुक किया था, जिन लोगों जब जैसे कि आपको पता है कि टाइमिंग बुकिंग की 1 अक्टूबर को थी, 1 से 15 अक्टूबर को, जो लोग बुक नहीं कर पाए हैं, जिनको महंगा मिला है मॉरिस बुकिंग पे, ठीक है, तो वो लोगों का क्या हुआ है कि उन लोगों ने आई थिंक महंगे रेट पे उनको ओरेस की बुकिंग मिली, क्योंकि वो बुक नहीं कर पाए या लेट हो गए थे बुकिंग करने में, जो भी उनका रीज़न होगा, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हमें लॉस हो गया, ठीक है। एक्चुअली उनको लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि उनका ओरेस का प्राइस बुकिंग आई थिंक उनका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि $50 से ओरेस का बुकिंग प्राइस स्टार्ट हुआ था, 50 से लेके 300 400 तक गया था, ठीक है।
तो उन्होंने कुछ लोगों ने 250 पे बुक किया, किसी ने 100 पे, किसी ने 150 पे, किसी ने 380 पे। तो इस तरीके से जिन्होंने 380 पे किया है, और इसका प्राइस अभी आप देख रहे हैं कि ये 80 82 85 डॉलर के नियर अबाउट है, तो इतना प्राइस अभी अप हुआ नहीं है, तो उनको वो वहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी उन लोगों के लिए मेरे पास ये सजेशन है कि वो लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे तो दो ही काम हो सकते हैं। देखिए, या तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रेफरल हो, वो अगर पीएच करने को रेडी है, ठीक है, अगर बिटकिंगडम में ज्वाइन होना चाहता है ये सारे रूल्स देखने के बाद, जो कि 5% पर मंथ के हैं, ठीक है, अगर वो ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको जो है अपना ओरेस उनको दे सकते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके अकाउंट में, राइट, और उनसे BTC ले सकते हैं। ठीक है, ये काम पहला आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ओरेस का प्राइस क्या चल रहा है, ओरेस का प्राइस 80 डॉलर है, ठीक है, तो 80 डॉलर प्राइस है, तो आप अपना सीड मनी रिकवर कर सकते हैं इस हिसाब से। उनको ओरेस चाहिए, आपको BTC जो है चाहिए, ठीक है, GH के लिए, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि 30 जनवरी को, जैसे आपको पता है कि 30 जनवरी को अब ओरेस का जो प्राइस है, ठीक है, ओरेस का जो प्राइस है वो 30 जनवरी को रिलीज होगा, तो उस दिन पे आप वेट कर सकते हैं 30 जनवरी का कि उस दिन को प्राइस क्या जाएगा, क्योंकि आज आपको जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप अपने बैक ऑफिस में, तो यहाँ पे 85 डॉलर के नियर अबाउट, 80 डॉलर के नियर अबाउट बता रहा है, तो उस टाइम पे प्राइस आई थिंक 100 हो जाए, क्या पता 200 हो जाए, 300 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 150 रहे, 200 रहे, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट रहेगा, वो आपको 30 जनवरी को ही पता लगेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस दिन आप सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, राइट। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपने अभी सेल करना है, तो आपको मैंने पहला मेथड भी बता दिया और दूसरा मेथड भी आपको मैंने बता दिया कि 30 जनवरी तक आप वेट कर सकते हैं और उस टाइम पर आप सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये दो मेथड है, राइट, तो इसके अलावा तो अब कोई नहीं मेथड है, और बाकी तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको पैसा मरेगा नहीं, बस इतना बता दूँ, पैसा मरेगा नहीं, पैसा जो है वो यहीं पर रहेगा, 5% पर मंथ उस पर मिलता रहेगा अगर आप PH एक्टिव करते हैं। तो ये तीन दो तीन सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए, अब जैसे आपको सही लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अब सीधा पॉइंट पे, अब नीचे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। बीके ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद मर्चेंट्स एंड एंटरप्राइजेस फॉर 5 ईयर्स फॉर बेटरमेंट ऑफ ओरेस क्रिप्टो करेंसी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो 5% मंथली मिलेगा आपको फॉर 5 ईयर्स ऑन PH नाउ फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से ये अप्लाई हो चुका है, तो 5% आपको पर मंथ मिलेगा आपकी जो भी PH यहाँ पे एक्टिव होगी बिटकिंगडम में अब से, ठीक है, मतलब अब से मतलब 1 जनवरी से, ठीक है। एज मर्चेंट इज एक्सेप्टिंग इट, सो इट इज नेसेसरी टू मेक 5% फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ ओरेस एंड बीके, राइट। तो नीचे थर्ड पॉइंट पे है, मोर देन 400 एंटरप्राइज ऑथोराइज एंड रेगुलेटेड इन वियतनाम फॉर एक्सेप्टिंग ओरेस आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ लॉन्चिंग ओरेस, राइट। ओरेस अडॉप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलिंग और डूइंग डेली ट्रेड, आफ्टर C6 जेपो एंड ओके क्वाइन विल बी नेक्स्ट। एज यू नो, मेम्बर्स कांट होल्ड एंड स्टेक क्वाइंस फॉर लॉन्ग टर्म, सो वी फोकस ऑन मर्चेंट्स एंड बिजनेस डायरेक्टरी फॉर ओरेस एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा लोग एंटरप्राइज और मर्चेंट्स ने एक्सेप्ट किया है वियतनाम में ओरेस को, जो कि आपको पता है कि अगर आफ्टर अभी टू दो मंथ हुए हैं, दो तीन मंथ हुए हैं सिर्फ ओरेस को लॉन्च हुए, तो अभी 400 दो जो 2-400 लोगों एंटरप्राइज ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो फ्यूचर में ये कहाँ तक जाएगा आप खुद इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो बिटकॉइन को विद इन 2 to 3 मंथ्स तो कोई उसको आप बोल सकते हैं मर्चेंट्स भी नहीं मिले थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि ये चीज़ चलेगी भी कि नहीं चलेगी, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इसको 2-3 मंथ में इतने एंटरप्राइज और मर्चेंट्स ने एक्सेप्ट किया है, तो आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक है। और ये सारा पॉसिबल हो पाया क्योंकि बिटकिंगडम ने अपना एक स्टेबिलिटी बनाई हुई है ऑनलाइन वर्ल्ड में, और इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है जो कि उन कंट्री से, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लिखा है कि और इसका अडॉप्शन मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रादर देन सेलिंग और डूइंग ट्रेड। तो ये बोल रहे हैं कि लोगों को अडॉप्ट करना ज़्यादा जरूरी है। अब बिटकॉइन था, जैसे आपको पता है बिटकॉइन 2009 में आया था, तो बिटकॉइन को अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता, जस्ट लोग सेल एंड बाय एंड सेल करते, उससे काम नहीं बनता, अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ ग्रो नहीं करेगी, राइट, हम उस पर पैसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, एज यू नो, मेंबर्स जो हमारे बिटकिंगडम के मेंबर्स है, ठीक है, वो होल्ड नहीं करेंगे इसको अपने ओरेस को, ठीक है, एंड कांट
कांट होल्ड एंड स्टेक कॉइन्स फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज हर कोई यही चाहता है कि उसका पैसा जल्दी जल्दी बने और वो पैसा लेके जल्दी आगे बढ़े, ठीक है, कहीं और जाए, ठीक है। तो ये जो माइंड सेट है, यही चीज़ बिट किंगडम बोल रही है मत करो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फिर आगे लिखा है, सो वी फोकस ऑन मर्चेंट्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ ऑरस एक्सेप्टेंस, बिकॉज मेंबर्स जो हैं वो तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बट अपना सेल करके वो तो आगे निकलेंगे, ठीक है, वो रुकेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखेंगे। तो होल्ड करके कौन रखेगा, जो होल्ड करके रखेगा तभी तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी, अगर होल्ड डिपॉजिट्स में पड़ा रहे, ठीक है, तभी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर गोल्ड मार्केट में फ्लो होता रहे डेली तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं पड़ेगी जितना अगर उसको होल्ड करके रखेंगे, स्टॉक करके रखेंगे, तो उसकी वैल्यू आउटर मार्केट में, पब्लिक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होगी, तो उसका प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी बिट किंगडम भी और इसको लेके चले हैं कि इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं आप कीजिए, एनुअल फ्यूचर में इसको बेनिफिट होने ही वाला है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर सी सेक्स, ये सी सेक्स एक साइट है, सी सेक्स डॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे साइट का नाम, ये सी सेक्स डॉट कॉम। तो इस साइट पे ओरस की वोटिंग हुई थी, जो कि ओरस यहाँ पे विनर आया था, ठीक है, और आज ओरस जो है विनर आया था, क्योंकि ये इसको वोट्स मिली थी, आई थिंक 2400 वोट से ये विनर हुआ था, ठीक है। और मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसी आज ऑनलाइन मार्केट में आती है वो 1000 जो है वोटिंग के ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता, मेंबर्स का सपोर्ट नहीं होता, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो ये अब सी सेक्स के बाद जेपो वॉलेट एंड ओके क्वाइन विल बी द नेक्स्ट वॉलेट होंगे, ठीक है, जहाँ पे ये अब अपना जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। तो ये मर्चेंट्स अब नए हैं, इनके बाद अब CMC पे जाएगा, कॉइन मार्केट कैप जो आपको पता है साइट है, उस पे भी ये लिस्टेड होगा फरवरी और मार्च के बीच में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लिखा है, इट्स रियली अमेजिंग हिस्ट्री क्रिएटेड दैट आफ्टर बिटकॉइन नाउ ORS इज एक्सेप्टिंग बाय मर्चेंट्स एंड इज यूज फॉर प्रोडक्ट्स टू सेल बाय, देर वॉज नो गुड बैकएंड विद इथरम फॉर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, सो इथरम वेंट डाउन, ORS इज फर्स्ट फोकस्ड टू अवेल ऑल काइंड ऑफ मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट एंड अवेयरनेस आफ्टर ऑल द अचीवमेंट्स, ORS प्राइस विल बी सर्वाइव्ड बेटर देन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, राइट, मोस्टली कॉइन्स लिस्टेड अंडर 1000 वोट्स। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, कितनी भी बिग कम्युनिटी सपोर्ट करे उस कॉइन्स को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी कम्युनिटी अगर क्रिप्टो करेंसी, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर सपोर्ट करती है तो 1000 वोट के ऊपर वो नहीं जाती है, ठीक है। बट बिट किंगडम की जो ORS क्रिप्टो करेंसी है, ये 24,000 के साथ विनर आई है csx.com साइट पे, ठीक है, और इसको सपोर्ट मिल रहा है तभी ये आगे बढ़ रही है, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इथरम जो है, इथरम का प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं इथरम डाउन जा रहा है, ठीक है, $8, $9, $10, $12 भी हुआ था, ये मैंने सब कुछ चेक किया था, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका गुड कुछ बैकएंड अच्छा नहीं है, बैकअप अच्छा नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ORS जो है ये फोकस कर रहा है मर्चेंट्स पे, एक्सेप्ट मर्चेंट्स को एक्सेप्ट कराने में, एंटरप्राइज को एक्सेप्ट कराने में, ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े और ये आफ्टर ऑल दीज अचीवमेंट्स ORS प्राइस विल बी सर्वाइव बेटर देन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो तभी प्राइस बढ़ेगा जब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इथरम है, इथरम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बट इतना बैकअप नहीं है उसका कि इतने जितना ORS का है, ORS को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उतना इसका इथरम का नहीं है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, क्योंकि मर्चेंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आगे ये ग्रो करता जाएगा। इसी हिसाब से अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन जिन लोगों ने 2009 में होल्ड करके रखा था उनको आज वो मिलियनर बिलियनर बने हुए हैं, ठीक है। बट जो लोग उस टाइम पे सेल कर गए हैं वो आज रो रहे हैं कि हमने उस टाइम पे सेल क्यों कर दिया। तो इस तरीके से आपको भी लॉन्ग टर्म का देखना है विजन, शॉर्ट टर्म का मत देखिए। अगर हम देखिए LIC भी कराते हैं तो LIC की पॉलिसी भी, अगर हम अपने बैंक में 20 साल के लिए रखते हैं, 10 साल के लिए रखते हैं, तो हम अपने पैसे को ग्रो होने का टाइम देते हैं, ठीक है, जो भी हमने पैसा वहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ORS को भी आप अगर खरीद रहे हैं तो इसको बढ़ने का टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आपको नीड है पैसे की तो आप GH कर सकते हैं बिटकिंगडम से, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप GH नहीं कर सकते, बट GH जो होगा वो 30 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा, ओके। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है, अगर नहीं पता तो आप पूछ भी सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, किसी और से भी पूछ सकते हैं जो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। ORS विल बी, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, ORS विल बी पुट ऑन द ओपन मार्केट, ये
ये जो मैंने आपको ऊपर साइट बताई csex.com पे, ठीक है, ए विल बी लिस्टेड, ए मीन्स ऑरेस, ठीक है, ऑरेस विल बी लिस्टेड ऑन csex बिफोर 1 जनवरी, ये लिस्टेड हो गई है वहाँ पे, तो csex पे लिस्टेड होगी। न्यू डेवलपर टीम वॉलेट इंटीग्रेशन में बिजी होंगे, csex के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है सो। तो ये अगर अभी तक लिस्टेड नहीं भी हुई होगी, अगर आप अभी चेक करेंगे लिस्टेड नहीं भी होगी तो इंटीग्रेशन का काम चल रहा होगा, तो ये जल्द ही हो जाएगा, ठीक है, लिस्टेड हो जाएगी। एंड ऑरेस विल बी द लिस्टेड ऑन CMC जो कि है coinmarketcap.com बिटवीन फेबररी मार्च 2017, फेबररी और मार्च के बीच में कॉइन मार्केट कैप पे भी ये लिस्टेड हो जाएगा ऑरेस, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप की साइट ये है, अगर आपको नहीं पता, अगर आप अभी बिल्कुल न्यू है ऑनलाइन वर्ल्ड में और क्रिप्टो करेंसी में, तो आप ये जान लीजिए कि कॉइन मार्केट कैप साइट है, इस पे आज तक दुनिया की जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो हर एक यहाँ पे लिस्टेड होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का हर एक चीज़ का यहाँ पे आता है, मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, अवेलेबल सप्लाई कितनी है और मैक्सिमम सप्लाई कितनी कर सकती है बिटकॉइन, ठीक है, कितना है। तो इस हिसाब से बिटफिनिक्स, डैट, जो भी यहाँ पे दूसरे कॉइन्स आते हैं वो यहाँ पे आप सारे के सारे कॉइन्स देख सकते हैं, उनकी वैल्यू, उनके BTC रेट, उनका वॉल्यूम, हर कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऑरेंज क्रिप्टो करेंसी जो है लिस्टेड हो जाएगी फरवरी और मार्च के बीच में, राइट। तो यहाँ पे अब 6 पॉइंट पे आते हैं, ऑरेंज डेस्कटॉप वॉलेट इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑरेंज का डेस्कटॉप वॉलेट भी आ रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसका प्रोग्रेस चल रहा है, काम चल रहा है इस पर। 7th पॉइंट पे है, ओके कॉइन एक्सचेंज ज़ेपो एंड बिटको एज अ ट्रस्टेड फंड्स एंड डिविडेंड प्रोवाइडर। BK कम्युनिटी नाउ टुक स्टेप फॉर लॉन्ग लिव फॉर लाइफ टाइम। ऑल मेंबर्स विल ऑल्सो गेट डिविडेंड फॉर देयर कॉइन स्टेकिंग, ठीक है। कम्युनिटी मेन प्रायोरिटी टू मेक इट फॉर लाइफ टाइम। ओके कॉइन एंड सम अदर एक्सचेंज लाइक क्रैकन, ज़ेपो विल बी लिक्विडिटी प्रोवाइडर फॉर ऑरेस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ऑरेस जो है आगे आने वाले टाइम में ग्रो ही कर रहा है, ठीक है, और ग्रो करेगा क्योंकि इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने वाले जो है मर्चेंट्स और डिविडेंड प्रोवाइडर्स मिल गए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया ज़ेपो बिटको, ठीक है। तो ये BK कम्युनिटी इसको लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए लेके जाना चाह रही है, ठीक है, और ये मेरे को लगता है कि 5 साल तो ये कहीं नहीं जाने वाला और आगे भी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देर इज़ नॉट एन ईजी, यहाँ पे दिस आना चाहिए, दिस इज नॉट एन ईजी टू पुश द कॉइन्स एट ह्यूज बेनिफिट एज बिटकॉइन हैज सक्सीडेड बट स्टिल BTC इज स्ट्रगलिंग फॉर वॉल्यूम सम। The success will not come overnight in any business. BK has hired many cryptocurrency experts, auditors, professionals to manage ORS in a good strategy in order to success for long-term future with good intention by keeping the growth in the minds, right? तो ये आपको already सब कुछ self-explained है, ये तो कोई ज़्यादा explain करने की बात नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे points हैं वो मैं आपको फटाफट से आपको explain कर दूँ फिर आगे भी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। ORS माइनिंग भी स्टार्ट होने वाली है और ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ORS के 2-3-4 महीने के बाद ही ORS की माइनिंग भी स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। ORS माइनिंग इज ऑल्सो गोना स्टार्ट इन द मिडल ऑफ जनवरी 2017, ठीक है। एंड माइन रिवॉर्ड जो होगा 80 ORS का, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर BTC को अगर आप माइन करते हैं, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड जो है पहले होता था आई थिंक 30 के नियर अबाउट, अभी जो आजकल काफ़ी टाइम से है जो है 12.5 BTC ऐसे करके रिवॉर्ड है, ठीक है। तो इसका ORS को अगर कोई माइन करता है तो इसका रिवॉर्ड मिलेगा 80 ORS का, राइट। 9th पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल PH विल बी डन इन ORS क्रिप्टो करेंसी, राइट, एंड अंटिल क्यू ऑन PH इज फिनिश्ड यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉफिट इन GH, ठीक है। अगर तो क्यू आपकी लगेगी तो प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका क्यू जो है जीरो हो जाएगी, ठीक है। जो PH आप देखते हो PH पे क्यू लगी होती है वो जीरो होगी तभी आपको GH में प्रॉफिट शो होगा, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है वंस इट बिकम जीरो देन यू गेट ऑल प्रॉफिट इन GH टैब, इट मे टेक मोर देन 30 डेज। ये 30 डेज से ज़्यादा ले सकता है, बट BitKingdom ने इस पर भी काम काफ़ी टाइम पहले, मैंने 1 महीने पहले ये बात सुनी थी कि BitKingdom 30 डेज के अंदर अंदर इसको जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कि पहले होता था BitKingdom में, ठीक है। तो ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्यू का चक्कर भी अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10th पॉइंट में, ऑन 30 जनवरी buy and sell will open in BK account and only then we come to know the actual price of ORS, ठीक है। 30 जनवरी को ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बिटकॉइन BK एक्सचेंज है जिसपे अब लाइन है, अभी बंद है ये, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा BitKingdom के अंदर ही, ठीक है, जो कि buy and sell कर सकते हैं आप ORS को आराम से यहीं से, ठीक है। तो
यहाँ पे देख रहे हैं आप पी एच 11th पॉइंट में, पी एच इज ओपन नाउ, पी एच अभी ओपन है, जी एच क्लोज है अभी टिल 30 जनवरी इन आर पी इंटरनेशनल ऑल्सो। ओके, तो इसका मतलब है कि पी एच आप पी एच अभी अपना लगा सकते हैं लगाना हो तो, बट जी एच नहीं ले सकते अभी, 30 जनवरी तक ये क्लोज रखा गया है। ठीक है, और आर पी इंटरनेशनल जो साइट है, अगर आपको नहीं पता, आप अगर अभी न्यू भी हैं, तो हम इंडियन मेंबर्स, खास सिर्फ इंडियन मेंबर्स के लिए आर पी इंटरनेशनल एक साइट है, जहाँ पे हम जाके बाय एंड सेल जो भी करना होता था हम वहाँ से कर सकते थे ऑर्डर्स का। ठीक है, वो भी अभी क्लोज कर दिया गया 30 जनवरी तक, तो 30 जनवरी के बाद आप डायरेक्टली जो यहाँ पे बिटकॉइन के अकाउंट में आके यहीं पे बीके एक्सचेंज से ही बाय एंड सेल कर सकेंगे आराम से। राइट, आई मीन सेल कर सकेंगे, बाय तो ओपन है। राइट, चलिए 12th पॉइंट पे आते हैं। मिनिमम पीएच ऑफ ऑरेस इज 0.2 एंड मैक्सिमम पीएच ऑफ ऑरेस इज 200 ऑरेस फॉर सिटीजन। ठीक है, सिटीजन के लिए 200 ऑरेस तक आप पीएच कर सकते हैं, और नाइट्स के लिए 500 ऑरेस तक। ठीक है, इट मे इंक्रीज इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में बढ़ सकता है। 13th पॉइंट पे आते हैं, इफ यू वॉन्ट टू जी एच देन मेक श्योर योर पी एच इज एक्टिव एंड रिमेंबर पी एच इक्वल टू 3 times GH। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे उनके ओरेस वॉलेट में ओरेस आया हुआ है, ठीक है, तो वो सेल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू जीएच, अगर आप जीएच लेना चाह रहे हैं देन मेक श्योर योर आपका पीएच एक्टिव हो। ठीक है, पीएच एक्टिव हो एंड रिमेंबर पीएच इक्वल्स टू 3 times GH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब ये बिटकिंगडम है, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे ओरेस दिखा रहा है 63, तो अगर मेरा मैं इसको जीएच लेना चाह रहा हूँ तो मेरे पास पहले पीएच एक्टिव होना चाहिए। कितना, अगर मेरे पास सपोज कीजिए 10 ऑरेस का पीएच एक्टिव है, तो मैं यहाँ से 3 times, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पीएच इक्वल्स टू 3 times GH, तो अगर मेरा पीएच है 10 ऑरेस का लगा हुआ, ठीक है, तो 30 ऑरेस में यहाँ से विड्रॉ ले सकता हूँ बिट किंगडम से। राइट, अगर 1 ऑरेस का पीएच लगा है तो 3 ऑरेस का पीएच ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ से अगर 20 मेरा पीएच लगा हुआ है, 20 ऑरेस का पीएच लगा है प्रोवाइड हेल्प पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 times मतलब 60 ऑरेस का जो है जीएच यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, आराम से ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और अपने डाउनलाइंस को भी बता दीजिएगा डाउनलाइंस को भी बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे 14th पॉइंट पे हम देखेंगे, ऑल योर पीएच बिफोर 1st जनवरी विल बी कैंसल्ड एंड ऑल द सीड एंड द प्रॉफिट विल बी शोन इन जीएच टैब, जो कि मैंने पहले आपको बताया। सो यू नीड टू जीएच इट टू ऑरेस वॉलेट एंड डू द पीएच फॉर 5% और यू कैन सेल इट। राइट, वही मैंने जो चीज़ आपको बताई कि आपका 1st जनवरी के पहले पहले का जो भी पीएच लगे हुए हैं वो सारे एंड हो जाएंगे या हो गए होंगे अभी तक, और वो सारा का सारा फंड जो है जीएच टैब में शो करेगा। सो अगर आपने जीएच करना है तो जीएच कीजिए, बट जीएच होगा नहीं 30 जनवरी के बाद ही होगा, एक्चुअल प्राइस पता लगेगा। तो ठीक है, तो तब तक के लिए आप पीएच कर सकते हैं अगर आपने करना है तो, और आप या फिर आप सेल कर सकते हैं जैसे आपको दिल करे। बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, जैसे अब 63 ऑरेस वॉलेट में मेरे पास पीएच दिखा रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को, ठीक है, और मैं खुद भी यही अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं अभी आप देख रहे हैं 63 है, तो मैं 50 ऑरेस का पीएच एक्टिव कर दूंगा, और बाकी जो 13 ऑरेस बचेगा मेरे पास उसको मैं जब 13 जनवरी आएगी आप उसको भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा मेथड भी मैंने बताया हुआ है कि कोई आपका डाउनलाइन अगर आपके नीचे ज्वाइन होना चाह रहा है या कोई और मेंबर ज्वाइन होना चाह रहा है जो आप उनको ऑरेस चाहिए होगा, तो आप उनको ऑरेस देके उनसे BTC डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपका थोड़ा सीड मनी रिकवर हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 15th पॉइंट पे आता हूँ मैं, ऑरेस कैन बी सेंड बिटवीन इंडियन टीम स्ट्रक्चर, मतलब ऑरेस आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं आराम से। जैसे अब मेरे पास 63 ऑरेस है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे डाउनलाइन हो या मेरे स्पॉन्सर हो तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, आपसे रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, 16th पॉइंट पे आया, तो ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो गया इंडोनेशिया में, तो गवर्नमेंट ने इसको परमिट दे दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वहाँ के मेंबर्स के लिए भी। 17th पॉइंट पे आते हैं, ऑरेस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड दैट इज बैक्ड बाय बिटकॉइन, ये जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वी विल शॉक द क्रिप्टो मार्केट। राइट, तो इस हिसाब से अगर पूरी डिटेल में देखा जाए, अगर पूरे डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, बट ये ऑरेस क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर 5 साल के अंदर अंदर आपको अच्छा ग्रोथ देगी। ठीक है, बट टाइम जरूर लगेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें लॉस हुआ है या जिनका पैसा अभी फंसा हुआ है, फंसा तो नहीं है, मतलब जिनको मैंने मेथड बता दिया वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो निकालना चाहें तो अपना रिकवर कर सकते हैं, बट जो लोग अभी न्यू की बात कर रहा हूँ, जो न्यू मेंबर्स ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो वो 5 साल के लिए तो बेफिक्र हो जाएं कि आपका पैसा कहीं पे जाएगा। ठीक है, 100% सेफ हैंड्स में आपका पैसा है इस टाइम पे। ठीक है, और प्रॉपरली पूरे प्रिकॉशंस लेके चली हुई है बिटकिंगडम, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो अभी
मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये 42 मिनट्स की, तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अब ओरेस वॉलेट में मेरे पास फंड शो कर रहा है, तो ओरेस वॉलेट पे हम चलते हैं अभी, ठीक है? तो आपके सामने मैं पीएच एक्टिव करके भी आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है? तो अभी जैसे ही ओरेस वॉलेट पे क्लिक करता है जी, ओरेस वॉलेट पे देखिए अब मेरे पास दिखा रहा है 63 वॉलेट बैलेंस, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो अगर आपने इसको जीएच करना है तो आपको याद रखना है कि अभी 30 जनवरी तक आप जीएच नहीं कर सकते, ठीक है? तो इससे अच्छा है आप प्रोवाइड हेल्प कर दीजिए। तो मेरे पास प्रोवाइड हेल्प पे मैं क्लिक किया अभी, और यहाँ पे आप प्लान सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे प्लान अभी भी प्लान ए एंड प्लान बी दिखा रहा है तो वो आपको, तब तो आपको पीएच अभी एक्टिव नहीं करना, आप रुक जाइए। जब आपको न्यू प्लान 5% पर मंथ दिखाएगा तो आपने यहाँ पे आगे इसको सिलेक्ट करना है और इस वॉलेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है कितना आप पीएच करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जी पीएच करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 55 वर्ष का, ठीक है जी? 55 वर्ष का पीएच करना चाह रहा हूँ मैं, या फिर मैं 53 लिख देता हूँ, ठीक है? 10 वर्ष मेरे पास वहाँ पे रह जाएंगे और इस वॉलेट में, ठीक है? और यहाँ पे करूँगा मैं सेंड पीएच के बटन पे क्लिक। तो इस तरीके से सेंड पीएच पे मैंने क्लिक किया, और ये आप देखेंगे सक्सेसफुली एडिड न्यू पीएच रिक्वेस्ट विद 53 ORS, ओके किया मैंने। तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो 53 ORS का मेरा न्यू प्लान पे 5% पर मंथ के हिसाब से मेरा पीएच एक्टिव हो गया, जो कि अभी एक्टिव हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी अपना पीएच एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपने करना है, नहीं करना तो आपको, आप ORS वॉलेट में अपना फंड कुछ रख भी सकते हैं जैसे मैंने रखा है, या फिर पूरा भी रख सकते हैं जैसे आपको दिल करे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो ये 10 ORS जैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, 10 ORS रखें आप। और अगर वैल्यू जैसे सपोज कीजिए, अब यहाँ पे ORS की वैल्यू आज सपोज कीजिए कि $100 है, ठीक है? तो $100 है, तो अगर मैं इसको 10 ORS को सेल करता हूँ तो ये BTC के फॉर्म में कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है? और आराम से आप इसको GS ले पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और कुछ चीज़ें अभी और बतानी वाली बाकी हैं आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको चीज़ बता दी है, ठीक है? इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 200 ORS का PHV लोगों ने लगाया हुआ है, 199 ORS का, ठीक है? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप PH नहीं लगा सकते 200 का, ठीक है? आप अपना PH लगाइए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इसको छोड़ दीजिए, और आपका पैसा ग्रो होने का टाइम दीजिए इसमें, ठीक है? अब गेट रिच क्विक स्कीम वाला काम यहाँ पे नहीं रह गया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स रखी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ORS का वॉलेट देखिए एक्सेप्ट हो रहा है, ORS जो एक्सेप्ट हो रहा है मलेशिया वियतनाम कंट्रीज में, ठीक है? आप ये एड्रेस है, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है? ये देखिए ORS का इंटीग्रेशन का काम चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, ORS डेवलपमेंट का, और एप्पल के स्टोर पर ORS एक्सेप्ट हो रहा है वियतनाम में, आई थिंक, ठीक है? ये होटल की बुकिंग की स्लिप है जहाँ पे होटल के बुकिंग के लिए एक्सेप्ट हुआ था, ORS इंटीग्रेशन देखिए काम चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है? तो ORS वॉलेट नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग में है अभी। तो इस तरीके से वर्क चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिट किंगडम कुछ नहीं कर रहा, बिट किंगडम सब कुछ कर रहा है, और हमसे और आपसे ज़्यादा जानता है वो क्या कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ठीक है? और ये माइनिंग भी देख रहे हैं, माइनिंग का भी जो है प्रोसेस आने वाला है, तो ये हर चीज़ पे काम चल रही है अभी, ठीक है? और इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में काम चलेगा। यहाँ पे आप ORS और BTC के डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है? तो यूजर्स देख सकते हैं आप, जो BTC 2008 में आया था, ठीक है? तो इसकी USD वैल्यू थी 0.10, नीरबोर्ड बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे USD 50 थी ORS की, ठीक है? जब ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, ठीक है? तो इस तरीके से इसको सपोर्ट करने वाले कंट्रीज भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। करंट प्राइस $100 है इसका, 770, ये पिछला कुछ पुराना स्नैपशॉट है, ठीक है? तो इस तरीके से आप मतलब देख सकते हैं कि इसका ORS का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है इन कंपेरिजन टू BTC, क्योंकि BTC तो फादर रहेगा ही रहेगा, ठीक है? ऑब्वियसली क्योंकि BTC को तो वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है आज, और धीरे धीरे ORS को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके भी जब ग्रोथ देखेगा, प्राइस, ओपन प्राइस, जो प्राइस होगा इसका अच्छा जाएगा इन फ्यूचर, तो इसको भी सब एक्सेप्ट करेंगे, और इसके इसका भी जो प्राइस अच्छा जाएगा, और सभी को बेनिफिट होगा टाइम टू टाइम, ठीक है? आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए ORS एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है? होटल बुकिंग के लिए देखा मैंने आपको बताया अभी, और ऑलरेडी मैं ये न्यूज़ आपको बताना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। ग्रैंड न्यूज़ फॉर ऑल यू बिटकिंगडम मेंबर्स, द ORS क्रिप्टो करेंसी इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द 100 places इन वियतनाम, बूम, वी आर गोइंग विद द ORS सुपर्ब, सी अबव सेंट पिक्स। ये तो छोड़िए, द ORS आर एक्सेप्टेड सच एज इलेक्ट्रॉनिक शॉप, क्लॉथिंग, वेडिंग, लैपटॉप, मोबाइल्स, एप्पल मैकबुक स्टोर, फ्लाइट टिकट्स, मेडिसिन, फर्नीचर, टी एंड कॉफी शॉप, एक्वेरियम, पोर्ट एंड फ्लावर्स, वेजिटेबल शॉप, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ऑल अबव लिस्टेड शॉप्स आर एक्सेप्टिंग ORS एज पर पेमेंट इन वियतनाम, ठीक है? तो ये सब जगह पर वियतनाम में ORS एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। ये होटल की बुकिंग की स्लिप है, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है? अभी तो ये सारी
चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आप और देख लीजिए। और एस देखिए सोल्ड हो रहा था पहले, ठीक है, आराम से, और अभी भी आप 30 जनवरी के बाद भी सोल्ड कर पाएंगे आराम से। हमारे मेंबर्स हैं संजय रावत जी, मोहम्मद सौरभ जी, अविनाश जी, ये अपना ओआरएस सोल्ड करके गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी करेंगे इन फ्यूचर में। तो ओआरएस के डेवलपमेंट के लिए देखिए मीटिंग्स हो रही हैं लोगों को अच्छे गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं पता लग रहा, कुछ मेंबर्स को डाउट हो जाता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी लाइफ्स लगी हुई हैं लोगों की। मैंने आपको पहले बताया बैंक बैंकों के पैसे लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो कुछ कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज ज़रूर कम हो गई है, बट स्लो एंड स्टडी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये दिखा दिया, और बाकी PDF जो फाइल अगर आपको चाहिए होगी तो वो मैं आपको दिलवा दूंगा। और ये डेबिट कार्ड भी है बिटकिंगडम का आ रहा है अपना, ठीक है, पिंक एक्सचेंज के थ्रू, ये भी इन फ्यूचर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे लिखा है एवरी बिटकिंगडम कम्युनिटी यूजर विल हैव टू परचेज अ पिंक एक्सचेंज मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड टू मेक एनी ट्रांजेक्शन एंड विड्रॉल। ये फ्यूचर की बात है, अभी ये भी कुछ टाइम में एनेबल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि मैंने काफ़ी पहले की रखी हुई है, BK का ये हैं जो BK के किंग हैं, ठीक है, टॉप पे हैं BK के। तो इन्होंने, मैं सिंपल भाषा में अगर यहाँ पे बोलूँ, इन्होंने सिंपल लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू स्टे विद मी टुगेदर वी विन, इफ़ यू लीव अस वी विन, ठीक है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बिटकॉइन कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई बिलीव दैट नो वन वुड लूज मनी बिट किंगडम, वी आर मेकिंग वेरी गुड स्ट्रेटेजिक टर्न फ्रॉम देयर लीडर्स, द नेक्स्ट फ्यू डेज विल वी हैव मीटिंग विद द किंग ड्यूक एंड इन्फॉर्मेशन विल बी अनाउंस लेटर। आई नो एवरी वन इज डिफिकल्ट बट बिट किंगडम हैज नेवर लॉस्ट मनी फ्रॉम एनी वन एंड नाउ टू, जस्ट वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग सम ऑब्स्टेकल्स, शुड द इंटरेस्ट पेमेंट विल बी स्लोड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पैसा मरेगा नहीं, जो जिसका जो मिलना है उसको, वो उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जेपो बिटकॉइन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बिट गो सॉरी ओके कॉइन, ये जो ट्रस्टीज हैं इनके बिट किंगडम के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातचीत चल रही है, सारे काम प्रॉपरली तरीके से हो रहे हैं, और ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ है इंडोनेशिया में। ये इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। द बिट किंगडम हैज़ रिसीव द परमिट एंड लाइसेंस टू ऑपरेट अ फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एज वर्ल्ड वाइड, इट हैज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड अनदर बिगेस्ट फाउंडेशन इन इंडोनेशिया आफ्टर द गुड फैमिलीज फॉर्चुनेट लक टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी। दीज देर आर 3 रजिस्टर्ड ऑफिस इन वियतनाम एंड मेनी ऑफिस वर रजिस्टर्ड इन मलेशिया अंडर RBI नेटवर्क। अ गवर्नमेंट अथॉरिटी गेव परमिट इन इंडोनेशिया, सो नाउ ओआरएस विल बी प्रमोटेड एंड गिवन द स्ट्रेंथ टू गो ऑन टॉप फॉर लॉन्ग लिव इट्स विजन। इट हैज़ ऑफिस इन चाइना, कोरिया, ताइवान ऑफिस, एंड मोर गुड न्यूज़ विल कम ग्रेजुअली। आई एम शेयरिंग सम लीगल डॉक्यूमेंट्स विच वर इशूड बाई इंडोनेशिया गवर्नमेंट बॉडी। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये इंडोनेशिया के, ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के गवर्नमेंट प्रूफ्स हैं, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने इनको परमिट दिया है, ठीक है, उसके प्रूफ्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने सारे के सारे आज आपके लिए रखे हुए थे। तो विनर, ये तो मैंने आपको बताया था कि विनर आया था ओआरएस वर्ड्स 2000 वर्ड्स से, ठीक है, csec.com में, csec साइट पे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में जाने कहीं नहीं वाला है, बट इसने रूल तो एक्चुअली चेंज कर दिया है, तो इस तरीके से अब फॉलो तो करना पड़ेगा अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आज आपको बता दी जो कि काफ़ी महीनों से मेरे दिमाग में थी और मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। और सारी की सारी अपडेट्स, आज तक की अपडेट्स सारी की सारी ये प्रॉपर हो गई हैं यहाँ पे आपके कंप्लीट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और भी अपडेट्स आएंगी, कुछ और भी न्यू इंप्लीमेंटेशन होती है तो मैं उसकी अपडेट्स भी आपको लेके आपके पास आ जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।